से कम्युनिटी मेडिसिन के हैं, एपिडेमोलॉजिस्ट्स हैं, चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल के जो स्पेशलिस्ट्स हैं उनको और जो रेलेवेंट इसमें ऑफिसर्स हैं एसएमसी के, हमने एक मीटिंग की जायज़ा लेने की कि चैलेंजेस क्या हैं, सिनेरियो इवॉल्विंग क्या है, हमारी असिस्टेंस कहाँ पे ज़रूरत है और हम क्या क्या फराहम कर सकते हैं, कैसे फराहम कर सकते हैं, और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि केसेस में एक इजाफा हुआ है, कल 520 केस श्रीनगर शहर में आए हैं और बल्क ऑफ दोज केसेस आर लोकल केसेस, ट्रैवलर्स के नहीं हैं, तो उन चीज़ों पे नज़र रखते हुए हमने आज की मीटिंग की है। मैं एक कंसल्टेटिव कमेटी नोटिफाई कर रहा हूँ, फॉर्म कर रहा हूँ, जिसमें हम भी होंगे, स्टेक होल्डर्स भी होंगे, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट भी होगी, डॉक्टर हजरात भी होंगे, ताकि कम्युनिटी लेवल पे एक रिस्पांस कोविड का हो। जो कोविड नॉर्म्स हैं वो मास्क पहनना हो या सोशल डिस्टेंसिंग हो, सबसे ज़्यादा उसमें एडहेरेंस तभी हो सकती है जब कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट हो। आप लोगों से भी मैं गुजारिश करूँगा कि उसमें हमारी मदद करें और लोगों से भी इल्तिजा करूँगा कि कम्युनिटी लेवल पर आगे आके कोविड के खिलाफ एहतियात बरतें। तो ये जो कमेटी हम बना रहे हैं ये वक्तन फवक्तन मिलेगी। हम इंटरनल भी अब एक असेसमेंट करेंगे कि एक तो स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का की मीटिंग हुई है, ऑनरेबल एलजी साहब ने जो गाइडलाइंस दी हैं कल कि आउटडोर वेन्यूज़ में लेस देन 100 हो सकता है, इनडोर में लेस देन 50, फ्यूनरल्स में लेस देन 20, उनको हम एनफोर्स कैसे करें, हाउ डू वी enforce the directions that have been enforced by the disaster management authority, and certain steps we'll take in Srinagar municipal area limits as well to augment and aid the efforts of the administration. We are going to work in close coordination with the administration and try to assist the administration and the disaster management authority to fight this battle efficiently. लेकिन लोगों से अभी मैं गुजारिश करूँगा कि वो एहतियात बरतें। लास्ट ईयर भी जो एक सिनेरियो आया था कि लोगों को लोगों ने इसमें कोऑपरेट भी किया था, इल्तिजा की गई थी कि इबादत घर से हो, नमाजें घर से हो। आई हैव नो हेजिटेशन इन सेइंग दैट मुझे लगता है इस वक्त बहुत मौजून है और बहुत ज़रूरी है कि भीड़ ना लगे। और उसमें एक सवाल बार बार ही आता है, तो फिर टूरिज्म वेन्यूज़ पे आप ये क्यों नहीं, लेकिन कल की जो गाइडलाइन आई है दैट इज इंडिस्क्रिमिनेट, 100 लोग से या ज़्यादा किसी भी वेन्यू पे जो उनकी असेंबली है वो इन वायलेशन ऑफ नॉर्म्स और अनलॉफुल डिक्री की गई है। ये ऑर्डर्स कल इशू हुए हैं, थ्रू मैजिस्ट्रेट्स इशू हुए हैं, तो दिस अप्लाइज टू टूरिज्म ओपन प्लेसेस टू, लेकिन क्लोज्ड प्लेसेस का लेस देन 50 किया गया और कहीं कहीं पर मसाजिद में 500-600 भी देख रहे हैं, तो उस पर थोड़ी तवज्जो की ज़रूरत है। इसलिए जो इमाम साहिबान हैं, जो क्लर्जी है फ्रॉम अक्रॉस रिलीजन्स, वी आर गोइंग टू सिट विद देम एंड आस्क देम हाउ दे कैन यू नो असिस्ट अस, हेल्प अस, एंड हाउ वी कैन वर्क टुगेदर। ट्रेड एंड टूरिज्म एसोसिएशन से भी कि मार्केट्स की ऑल्टरनेटिंग कैसे की जाए, तो ये सारी चीज़ों पर हम थोड़ा बैठ के गौरव फिक्र करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि what is the best course of action to take both scientifically, administratively, and what is a sustainable course of action, because economics is not an optional